थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल मूवी एंड इतने सारे लोग आए, क्या बोलना चाहेंगे सर इनको? काश ये 25 साल पहले मैं कह देता, पता ना मुझे पप्पा से मैं कह देता कि सिंगल रहने दे। हाँ। बट खैर इसमें और एक लाइन है, मजानी लाइफ। हाँ। तो सिंगल नहीं हूँ लेकिन मजानी लाइफ है सर। ये कंट्रोवर्शियल हो सकता सर। हैं, सिंगल नहीं मजानी लाइफ है, है? चलने दो। नहीं, गाने के जरिए हम वी आर सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ सिमरन, द नेवर से डाई, द हैप्पी स्पिरिट ऑफ सिमरन। इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ द फिल्म एंड I'm really happy that we are celebrating it in such a joyous manner. And it's going to be a huge hit, party anthem hoga is saal ka, yahi lag raha hai isko sunne ke baad. Congratulations to the entire team, music director duo, ladies and gentlemen, give it up for Sachin Jigar. आप लोग की फीलिंग्स हैं, मतलब कितना लगा कि काश यार हम भी सिंगल ही हो जाते यार? शी मत बोलना, मैं पिट जाऊं। बाकियों का पता नहीं, तुझे बड़ा मन कर रहा है सिंगल होने का आज। मैं हूँ, आई एम वेरी मच सिंगल। हाँ, तो फिर तेरा दर्द क्यों हो रहा है तुझे? जो सिंगल है उन लोग तो आई एम श्योर एंजॉय कर रहे होंगे वो लोग, बट आई एम श्योर कि जो गुजराती लड़कियां हैं या इन जनरल जो लड़कियां हैं वो जरूर इससे एसोसिएट करेंगे और जरूर सब पापा को ये सुनने मिलेगा सुबह सुबह। ढोकला खिला दूंगी, चाय पिला दूंगी, सिंगल रहने बिल्कुल है ना। यहाँ पे जिन्होंने ये कमाल की आवाज दी है, लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स अप इन द एयर एंड वेलकम शालमली खोलकरे। हेलो, जाने मत देना, चलो नेक्स्ट। अभी यहाँ पे बुलाना चाहेंगे हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर्स को, तालियों के साथ स्वागत करेंगे मिस्टर शैलेश आर सिंह साहब का एंड मिस्टर अमित अग्रवाल का, जोरदार तालियां, कम ऑन यार। प्रोड्यूसर्स को बिल्कुल उनका ड्यू मिलना चाहिए। वेलकम वेलकम अग्रवाल साहब, सिंह साहब एंड कंग्रेचुलेशंस। जैसा हमने कहा, you know, most awaited movie हो रखी है इस समय, बहुत सारे लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। We have this brilliant actor with us, Mr. Soham Shah, उनके लिए भी तालियां हो जाए please, come on, make some noise girls। And now, ladies and gentlemen, this won't have been possible. कुछ बहुत ही खास लोग हैं उनकी मेहनत के बिना, तो यहाँ पे बुलाना चाहूंगा टी सीरीज से द वन एंड ओनली मिस्टर विनोद भानुशाली को, प्रेसिडेंट मार्केटिंग मीडिया एंड पब्लिशिंग, एंड ही वॉज एंजॉइंग द सॉन्ग सब। एंड नाउ द को प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म, जिनमें मिस प्रिया गुप्ता इज हियर, जोरदार तालियां प्रिया जी के लिए, जोरदार तालियां। फिल्म से वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर शिव चनाना, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, सिंगल हैं हम सब। And now, the woman of the hour, and वो, हाँ सर भरेगा उनके लिए तो कहीं भी जगह बन जाती है। Someone who actually transforms into the character she portrays on the screen, she's just brilliant with whatever she does. जोरदार तालियों से welcome कीजिए Simran, बोले तो कंगना रना। Welcome कंगना। And we'll have a quick photo op, then we'll do the conversation. Yeah, please. सिंगल रहने के फायदे बड़े अच्छे अच्छे सिखा दिए आपने, लड़कों को क्या बोलना चाहेंगे जो बेचारे सिंगल मतलब नहीं रहना चाहते लेकिन डबल भी नहीं हो पाते हैं? आई थिंक उनके लिए आप अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। मेरे पे खेल रहे हैं यार, मतलब ये बेचारा ठीक है। मैं तो उन लड़कियों के लिए कहना चाहूँगी, जैसे कि जो प्रफुल है, उनकी जो कहानी है वो एक डिवोर्सी है और उसने शादी के लड्डू खाया है, उसको उसे बदहजमी हो गई है। अब उसको प्लीज़ सिंगल रहने दो, बाकियों का मुझे पता नहीं, टू ईच हिज और हर ओन, लेकिन इन मोहतरमा को सिंगल रहने दीजिए, इन्होंने बड़े दुख सहे हैं ज़िंदगी में।
इतना खुश होते होते उन्होंने इसकी दुख भरी कहानी बता दी यहाँ पे. शालमली इज अ वंडरफुल सिंगर, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. सो इससे पहले कि हम यहाँ पे सबको बोले अपने सवाल पूछें, दो लाइन तो बनती है मतलब गाने की. I think गाने से ज़्यादा इस गाने में मुझे रैप करने मिला है. Yes, and of course. And for that yes. we have these two to thank. Yes. And I think the best part is जिस तरीके से गाना शुरू होता है. I don't know if I did justice to your character, but of course you did. Course you did. और आप इतनी खूबसूरत है, आपको गाने में डालना चाहिए था. मुझे मुझे बहुत शिकायत है प्रोड्यूसर जी से. Thank you, Kangana. Hi. Hysterical laughter. So guys, जोरदार तालियां हो जाए for this entire team of single रहने यार, है ना, मजा नहीं लाइफ है. सिमरन पूरी टीम के साथ यहाँ पे हैं. So it's over to you guys, yeah? आप लोग के सवाल जवाब. कंगना, लगता है कि बॉलीवुड एक्टर्स को डेट करने से अच्छा है कि सिंगल ही रहने दे. मुझे तो नहीं लगता सिमरन को कोई बॉलीवुड एक्टर को डेट किया होगा प्रफुल ने, लेकिन उसने जो उसका शादी से जो एक्सपीरियंस रहा है उससे तो आई थिंक अच्छा है कि वो सिंगल ही रहे. या आई थिंक कंगना, हाय टू यू. हाय. व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वुड बी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग सिंगल? एडवांटेज इज द लाइटर साइड ऑफ इट, के वो जो हमको बचपन में जो काजल गाती थी, मेरे खाबों में जो आए, यू नो, यू ऑलवेज थिंक द वन आई विल एंड अप विद हु ही विल बी, एंड यू हैव वेरी ग्लोरियस पिक्चर ऑफ दैट. एंड कंपेनियनशिप जैसे होता है ना कि चलो अब ये हैं जनाब, तो इनके साथ में गाड़ी खींचो जैसे तैसे खींच रही है. अदर साइड इज दैट. कंगना, ऑन योर लेफ्ट. हाय. हाय कंगना, जब शादी के रिश्ते आते हैं घर पे, तब आपके या घर वालों, आपकी सिस्टर के, तो कैसे देखती हैं आप, कैसे रिएक्ट करती हैं आप, क्योंकि शादी की बात हो रही है. मेरी सिस्टर तो सारा दिन अक्षत की शादी करवाने में लगी रहती है. मैंने ये लड़की देखी, वो लड़की देखी, मैंने कहा तुमको पता है मैं उससे बड़ी हूँ? तो कहती हाँ, तुम्हारे लिए मैं कहाँ से रिश्ता ला सकती हूँ. तो मैंने कहा यार कोई तो कुछ करो. और क्योंकि आपकी शादी की बात की आपने दिसंबर में, हमारे पास जो खबरें थी, तो क्या कुछ स्टेटस है अगर आप बताना चाहें तो? वो तैयारियाँ चल रही है. मुझे थोड़ा तो राहत तो मिले, जिसे कहते हैं ना कि अपना घर बसाने की थोड़ी तो राहत दो मुझे. सच में अब मुझे कुछ चंद महीने देंगे तो मैं अपना घर बसा के फिर आपको दिखूंगी फिर उसके बाद. पर अभी मुझे बिल्कुल भी राहत नहीं है. सो वो डिपार्टमेंट अभी जहाँ है वहीं पर स्टक है. पर होपफुली सिमरन अच्छा करेगी और हंसल सर और मेरा घर बसेगा. लेकिन कंगना क्या रियल लाइफ में कंगना सिंगल है अभी? ये मेरे पास हर प्रश्न का जवाब है, मेरे पास इस प्रश्न का जवाब नहीं है बिल्कुल भी. ऐसा ही है कुछ. We good? We done? ये इनका कारनामा है. मैंने कहा मुझे आप कहीं भी भेजो, मुझे आपकी अदालत में मत भेजो. वो मुझे तीन साल से, रजा सर तीन साल से बुला रहे थे. मैंने कहा मुझे वहाँ मत भेजो. तो मेरे प्रोड्यूसर जो शैलेश जी हैं, क्यों आपकी अदालत में जाइए आप डरती हैं क्या? और जो उन्होंने मुझे इतना मेरा खून खोला, मैंने कहा नहीं, मैं किससे नहीं डरती. और अब देखो ये हो गया. देखिए क्या होता है ना कि अब जब आप अपनी फिल्मों की शूटिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम पे इंटरव्यू करेंगे तो बोलेंगे इसको कुछ काम धाम नहीं है कि ये कहाँ जा रही है, क्या कर रही है. और जब आप फिल्मों के वक्त पे आपके जो पराग देसाई जी हैं, उन्होंने जो आपको लिस्ट दी इंटरव्यूज़ की, तो उस टाइम पे बोलेंगे तो बोलेंगे प्रमोशन के टाइम पे प्रमोशन कर रही है, तो कैसे जिया जाए अब. वो तो मुझसे अभी आदित्य पंचोली के बारे में भी पूछते हैं, जब मैं 16 साल की थी और आज मैं 30 साल की हूँ. तो क्या करें, पूछेंगे तो कहाँ जाएं, जवाब दे तब भी प्रॉब्लम है, नहीं दे तो मैं उनमें से नहीं हूँ जो यू नो जो गोल मोल. आप मुझसे हमेशा पूछेंगे तो मैं हमेशा जवाब दूंगी. मुझे नहीं लगता कि मैं क्या कहूँ अगर मैं ना कहूँ, और अगर ना कहूँ तो क्या कहूँ. ये मुझे समझ नहीं आता है. तो आप ऐसा करिए, मुझे बुलाया ही मत करिए कहीं भी इंटरव्यूज पे, तो सब शांत रहेंगे और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. We just love you, yeah. जब भी आप आती हैं और ऐसे ऐसे गाने लेकर आती हैं, of course, I'm sure everybody is gonna say that. Come on, make some noise, ladies and gentlemen. Wow, एकदम ऐसा
तो सिमरन के लिए तालियां, पूरी टीम के लिए तालियां. एंड बिफोर वी रैप अप, इट्स टाइम फॉर अ क्विक फोटो ऑप विद द एक्टर्स, ऑफ कोर्स विदाउट माइक्स. यस सर. I just wanted to call the person who has directed this video, Suparn, very very old and dear friend of mine. Ek zamane mein wo us taraf hote the, interviews sawal karte the logon se awkward se. Aaj yahan hai, Suparn. Thank you, Suparn. Thank you for giving me this chance.